हैंडलिंग के थ्रू प्रोसेस से वहाँ से निकाला जाता है। अब जैसे बताया गया था कि जो ड्रेन का वो जो इम्पल्स के जो ब्लॉक हैं उनके नीचे क्या होता है पेट्रोलियम वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है और इनको पेनिट्रेट करके ये ऊपर नहीं आ पाता। तो क्या होता है इनकी स्केलिंग होती है रिफाइनिंग के प्रोसेस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में और यहाँ से पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल जो होता है उसको निकाला जाता है। उसके बाद इसको रिफाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। रिफाइनिंग का प्रोसेस बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में किया जाता है और उनका जो लोग स्ट्रक्चर होता है वो इसके लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बहुत सारी स्टार्टिंग एक फ्रैक्चुरेटिंग कॉलम इसको बोल सकते हैं। इसमें एक साइड में एक बॉयलर लगा होता है और बॉयलर के साथ ही फ्रैक्चुरेटिंग कॉलम जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है। ठीक है, तो इसमें ट्रेस लगी हुई है और यहाँ पर क्या है इनकी रिलीज होने के लिए स्पेस दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट जो प्रोसेस होता है क्रूड ऑयल को बॉयलर में डाल दिया जाता है। क्रूड ऑयल जो होता है जो ऑब्टेन किया गया है सीओरोशन फ्लोर से उसको बॉयलर में डाल दिया जाता है एंड देन एवम 400 डिग्री सेल्सियस इसको बॉइल किया जाता है या बोल सकते हैं हीट किया जाता है। कितना एवम 400 डिग्री सेल्सियस इसको हीटअप किया जाता है। जब एवम 400 डिग्री सेल्सियस से हीट होता है उसके बाद क्या होता है ये यहाँ से आपका यूज़ होता है फॉर लुब्रिकेशन।
एच2 वेपर हमारा कंडेंस हुआ वो हुआ 170 to 250 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो वेपर कंडेंस हुआ वो हमें मिला केरोसिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिला? केरोसिन की फॉर्म। और केरोसिन हमें पता है कौन सा क्या होता है? फ्यूल होता है, जो यूज होता है फ्यूल यूज इन
बिना कोई पॉल्यूशन किए उनका यूज किया जाता है। तो सी एन जी के फॉर्म में वो क्या होता है, आपका ऑटोमोबाइल में यूज होता है एंड देन इसका यूज होता है जो डोमेस्टिक पर्पज है उनमें भी होता है और उसको भी पाइपलाइन या सिलेंडर्स के थ्रू घरों तक सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो सी एन जी है उसका यूज होता है हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन में, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं नेचुरल गैस और इसके मेन जो यूजेस हैं वो पढ़ रहे हैं, तो इसके जो यूजेस हैं उनमें हमारा मेनली आ जाता है, एक तो क्या होता है सीएनजी, ऑटोमोबाइल, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इन द प्रोडक्शन ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी है हमारे फॉसिल फ्यूल की, वो क्या था उसमें मेन डिसएडवांटेज हो जाती है, बिकॉज यू नो दैट फॉसिल फ्यूल टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म, इनको बनने में बहुत सारा समय लगता है। अगर एक बार हम उसके जो रिसोर्सेज है उनको रन आउट कर दें, एक बार क्या करें हम सारे जो स्टोर्ड है स्टोरेज जो है उसको ख़त्म कर देंगे, तो दोबारा हम उनको जब तक ही नेचुरली रिजनरेट नहीं होते हैं तब तक हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, जब तक ये नेचुरली रिजनरेट नहीं होंगे तब तक हम उनका यूज़ नहीं कर सकते, हम ऑप्टेन नहीं कर सकते। तो मेन डिसएडवांटेज होते हैं वो ये होता है। सेकेंड है इसका जो सेकेंड डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन देयर रिलीज अ लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट, ठीक है। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, पॉल्यूट जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, जो इनमें क्या होता है ये पॉल्यूशन, कॉज ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। लेकिन लॉट्स ऑफ पॉलिट्यूल जो मेन कॉज है पॉल्यूशन के वो होते हैं, और ये जो पॉलिटेंट रिलीज करते हैं वो क्या क्या पॉलिटेंट रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में आफ्टर बर्निंग, आफ्टर कंबशन
या सबवर्ड्स होता है। देखो उसी वजह से ये भी क्या है मतलब तरीके से बोल सकते हैं हार्मफुल। थर्ड आता है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ सर्कल एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉलिंग फॉजिंग मतलब कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन लेकर चलते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन क्या होते हैं मेनली कोल जो होता है उसको बर्न करने से रिलीज होते हैं। उसके अलावा पेट्रोल को बर्न करने से भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं और एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट जो ऑक्सीजन एंड वाटर है उसके साथ ये क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है क्या कौन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिलीज करते फॉर्म करते हैं और ये जो एसिड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन अर्थ पर फॉल ऑन। ठीक है तो ये भी क्या होता है हार्मफुल होता है किसी भी मॉन्यूमेंट पर या फिर मॉन्यूमेंट की बात करें या हमारा क्रॉप की बात करें तो उसको नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वायु इनकम्प्लीट कम्बसन जो हाइड्रोकार्बन है कोल है इनके इनकम्प्लीट कम्बसन की वजह से सूट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं और ये जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं हमारा रिस्पायरेशन जो हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस है उससे तो हमें ये क्या करते हैं रिस्पायरेटरी जो इरिटेशन बोल सकते हैं या हमारा जो रिस्पायरेशन सिस्टम है उसको अफेक्टेड करते हैं लंग्स को अफेक्टेड करते हैं। ठीक है तो ये डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल हो जाते हैं ये नेचुरल गैसेस के यूजेस हो जाते हैं हमने रिफाइनरी प्रोसेस पढ़ लिया हमने पढ़ लिया कि हमें पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है तो ये सब इसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या हम कंजर्वेशन फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो उसका आ जाता है जीडीसीएस यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उनका जीडीसीएस यूज करें मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन जो है हम उसको ना करें क्योंकि हमें पता है हम उसको फॉर्म नेचुरली जब तक वो रिजनरेट नहीं होंगे हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है अगर हम फॉसिल फ्यूल की जगह उनके अल्टरनेट जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनका यूज़ करें लाइक टाइडल एनर्जी और उसको छोड़ भी दो आपका ये हो जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना विंड एनर्जी सोलर